दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मेरा जो वीडियो है इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, ऐसे बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ ये समस्या होती रहती है। बहुत सारे मैं छोटा तो बहुत कम उम्र का हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में इस प्रकार की जानकारी दूंगा जो आपके अड़ोस पड़ोस या आपके कोई भी मित्र हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मुकदम हैं जो बहुत, और मैं खुद भी देखता हूँ बहुत सारे केस जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन दोस्तों जो आपने स्थम्बेल देखा है इससे अनुमान लगा लीजिए कि एक युवक पर उसकी भाभी ने दहेज मतलब 498 का केस दर्ज कराया था। उस 498 के केस में वो व्यक्ति 22 साल से 45 साल तक की उम्र में उस केस को झेलता रहा है, उस केस को लड़ता रहा है, अदालत के चक्कर काटता रहा है। ये हमारी न्याय प्रक्रिया की विडंबना है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया इतनी लचीली है या इतनी धीरे चलने वाली है जिससे उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी अदालत के चक्कर काटते काटते गुजर गई। क्योंकि जब एंड में इसका फैसला आया तो वो व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ। निर्दोष व्यक्ति इतने साल से 22 साल की एज से 45 साल की एज उसने अदालत के चक्कर काटा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर मान लो आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके दोस्त के साथ ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है, क्योंकि आजकल बहुत सारे 99% मुकदमे झूठे हैं, तो पुलिस की भी मजबूरी होती है, मुकदमे दर्ज कर ले जाते हैं, ऐसे कानून हैं। लेकिन दोस्तों आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप चाहे तो आपके पास सब कुछ है, कानून है। क्योंकि जिस प्रकार आप इस युवक को देखा होगा, केदार नाम के जो युवक ने 22 से लेकर 45 साल की जिंदगी झूठे मुकदमे में गुजार दी, इधर उधर वकीलों के चक्कर, वकील कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। लेकिन आखिरकार दोस्तों जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे, जब तक आप एक्टिव मूड में नहीं रहोगे, क्योंकि आपका केस है तो आपको उस केस के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, उस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे केस में क्या प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब तक आप उस केस में आप खुद एक्टिव नहीं रहोगे, अगर वकील के भरोसे आप उस केस को छोड़ दोगे तो आपका केस बहुत लंबा हो जाता है। इसी तरह इस केदार नाम युवक का भी केस इस तरह बहुत सारा लंबा हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके खिलाफ अगर एफ आई आर दर्ज हो जाती है, आपको भी पता लग जाता है कि मेरे खिलाफ जो एफ आई आर है ये झूठी है, तो दोस्तों आपके पास उपाय है, आप हाईकोर्ट में जो भी संबंधित राज्य में उसके हाईकोर्ट में 482 CRPC में आप जा सकते हैं एविडेंस सबूतों के साथ। क्योंकि 498 एक ऐसी धारा है जिसमें आपकी एफआईआर की एक कॉपी निकला के सर्टिफाइड उसको आप चुनौती दे सकते हो, क्यूज करा सकते हो। अगर एविडेंस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो वो वहां से आपका नाम या एफआईआर भी रद्द हो सकती है। दोस्तों ये आपके पास उपाय है। बहुत सारे व्यक्ति कौन अदालत के चक्कर काटेगा, कौन हाईकोर्ट जाएगा, तो वो जमानत करा लेता है वो और अदालत के चक्कर काटता रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास सबूत है, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा है, तो आप बिल्कुल 482 CRPC में हाईकोर्ट जाइए और उसे एफआईआर को रद्द करा सकते हैं और उसके खिलाफ 211 में कार्रवाई करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उस केस में आप बरी हो, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा है, तो आप मानहानि का उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और कंपनसेशन भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे झूठे मुकदमों की लाइन लगती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बरी हो जाते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा। लेकिन आपको बरी होने के बाद जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया, आप उसमें बरी हो गई, बिल्कुल उसके खिलाफ आपको मानहानि का केस करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को यह संकेत मिले, ये सजा मिले कि मैंने झूठा व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराकर इस व्यक्ति की जिंदगी खराब की है। और ऐसे उदाहरण आपको पेश करना पड़ेगा। आपको ऐसा करने के बाद आसपास के जितने भी व्यक्ति है वो डरेंगे कि झूठा मुकदमा कराने की सजा इस व्यक्ति को मिली है। इसलिए दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल आप ऐसा करें। और आपको लगता है कि मेरा केस बहुत लंबा चल रहा है, क्योंकि आजकल कोर्ट में जैसे दोनों पक्ष की तरफ से वकील होते हैं, वो वकील चाहता है कि इस केस को लंबा खींचे, लेकिन आपका वकील अगर एक्टिव होगा और आप भी एक्टिव होगे तो उस
केस की हर तारीख पर आपका कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मान लो कोर्ट में कुछ नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट जाकर त्रिभुगत हाई कोर्ट जाकर आप अपने केस में वहां जाकर ये लगा सकते हैं एप्लीकेशन कि मेरे केस की हेयरिंग जल्दी हो। तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आपके केस की हेयरिंग 6 महीने में आपको इस लोअर कोर्ट को याद दे सकता है कि 6 महीने में इस केस को निपटाया जाए। तो इसलिए दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा जब भी आपके केस में कुछ हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल आपका केस 6 महीने में समाप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो उस दोस्तों को जो बेचारे अदालत के चक्कर काट रहे हैं उनको फायदा हो सके, उनको कुछ जानकारी मिल सके और अपने वकील से मिलकर अपने केस को तुरंत खत्म कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।